दोस्तों आज की सबसे पहली और बड़ी खबर झारखंड में शुरू हुई SDRF के गठन की प्रक्रिया। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी NDRF की तर्ज पर झारखंड में राज्य आपदा मोचन बल यानी SDRF के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए जवानों का चयन कर ट्रेनिंग का काम शुरू कर दिया गया है। जैप यानी झारखंड आर्मेड पुलिस की अलग कंपनियों से कुल 63 जवानों और अधिकारियों का चयन SDRF के लिए किया गया है। दोस्तों बड़ी खबर है, JTET परीक्षा से बाहर होगी भोजपुरी, मैथिली, अंगिका और मगही। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी JTET में क्षेत्रीय भाषा के रूप में शामिल भोजपुरी, मैथिली, अंगिका और मगही अब बाहर होंगी। इन क्षेत्रीय भाषाओं की जगह अभ्यर्थियों को दूसरी भाषा चुननी होगी। शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो की स्वीकृति के बाद स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने संशोधित नियमावली का यह प्रस्ताव विधि विभाग को भेज दिया है। दोस्तों बड़ी खबर है, पंचायत चुनाव से पहले घर घर पहुंचेगी झारखंड सरकार। झारखंड सरकार पंचायत चुनाव से पहले नवम्बर से दिसंबर तक आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के जरिए सभी जिला, प्रखंड, नगर निकाय समेत 4,351 पंचायतों में घर घर तक जाएगी। वहीं पंचायतों में कैंप लगाकर लोक कल्याणकारी योजनाओं से जरूरतमंदों को लाभान्वित करेगी। बता दी कि अगर पंचायत चुनाव जनवरी फरवरी 2022 में होता है तो यह चुनाव नई मतदाता सूची के अनुसार हो सकेगा। झारखंड में जनवरी फरवरी 2022 में ही पंचायत चुनाव होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कहा, सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता लोगों को मिले अत्याधुनिक चिकित्सीय सुविधाएं। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में लोगों को बेहतर चिकित्सीय और स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, यह सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने रविवार को बरियातू रोड स्थित हिल व्यू हॉस्पिटल के नए ट्रामा एंड क्रिटिकल केयर यूनिट के उद्घाटन कार्यक्रम में कहा कि इसमें निजी अस्पतालों द्वारा दी जा रही सुविधाएं एवं सेवाएं काफ़ी मायने रखती हैं। उन्होंने कहा कि यह हॉस्पिटल रांची के सबसे पुराने प्राइवेट हॉस्पिटलों में एक है। उन्होंने कहा कि यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होने से मरीजों को फायदा मिलेगा। दोस्तों बड़ी खबर है, महेंद्र सिंह धोनी ने कहा, उम्मीद है मेरा आखिरी T20 मैच होगा चेन्नई में। फ्रेंचाइजी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में महेंद्र सिंह धोनी ने कहा, मैंने हमेशा अपने क्रिकेट की योजना बनाई है। आखिरी वनडे जो मैंने भारत में खेला था वह रांची में था। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि मेरा आखिरी T20 चेन्नई में होगा, फिर चाहे वह अगले साल हो या 5 साल बाद, मुझे नहीं पता। धोनी ने 2008 में पहले सीजन से ही सुपर किंग्स का नेतृत्व किया है और उन्हें 4 IPL खिताब दिलाए हैं। साल 2020 को छोड़कर हर साल CSK ने प्लेऑफ में जगह बनाई। इन 14 वर्षों में धोनी ने न केवल टीम बल्कि इस शहर के साथ जुड़ गए हैं। झारखंड में कोरोना से अब तक हुई 5,140 लोगों की मौत। दोस्तों बड़ी खबर है, झारखंड में नवंबर महीने में कोरोना वायरस संक्रमण से 2 लोगों की मौत हो गई है। झारखंड में अब तक 5,140 लोगों की मौत कोरोना से हुई है। हालांकि अब तक झारखंड में 130 सक्रिय मामले हैं। कोरोना आंकड़ों की बात करें तो झारखंड में अब तक 3,49,124 कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं 3,43,854 लोग कोरोना को मात देकर स्वस्थ हुए हैं। झारखंड में अब तक 130 कोरोना सक्रिय मामले बचे हैं। दोस्तों बड़ी खबर है, झारखंड में बढ़ा 18-20% तक कोयले का उत्पादन। बरसात के खत्म होते ही झारखंड में कोयले का प्रोडक्शन बढ़ने लगा है। इसका असर देश के पावर प्लांटों में भी दिखाई दे रहा है। पावर प्लांटों में कोयला आपूर्ति सामान्य होने लगी है। अक्टूबर महीने में कोयला कंपनियों ने लगभग 49.8 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया। यह पिछले साल की तुलना में लगभग 3 मिलियन टन और लगभग 6.4% अधिक है। अप्रैल से अक्टूबर तक लगभग
299.6 मिलियन टन कोयले का उत्पादन हो चुका है। यह बीते साल से लगभग 10 मिलियन टन अधिक है। कोयले का उठाव भी पिछले साल की तुलना में लगभग 7 मिलियन टन अधिक हुआ है। यह करीब 11% अधिक है। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कहा, झारखंड में बढ़ेगा आयुष्मान भारत का दायरा। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आयुष्मान भारत का दायरा बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि कई और हॉस्पिटलों को इम्पैनलमेंट किया जाएगा, जिससे मरीजों को अपने ही राज्य में अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं मिल सकेंगी। उन्होंने हिल व्यू हॉस्पिटल के नए ट्रामा एंड क्रिटिकल केयर यूनिट का उद्घाटन करते हुए ये बातें कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड में लोगों को बेहतर चिकित्सीय और स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, यह सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसे प्राइवेट हॉस्पिटलों द्वारा दी जा रही सुविधाएं एवं सेवाएं काफ़ी मायने रखती हैं। दोस्तों, बड़ी खबर है, 22 नवंबर से शुरू होगी होनहार खिलाड़ियों के सिलेक्शन की प्रक्रिया। झारखंड सरकार अपने एकलव्य हॉकी प्रशिक्षण सेंटर के लिए ट्रेनियों की तलाश में है। साथ ही आवासीय प्रशिक्षण केंद्रों के यानी हॉकी के लिए भी योग्य प्रशिक्षुओं को ढूंढने में लगी है। इसके लिए झारखंड खेल प्राधिकरण की ओर से 22 नवंबर से 3 दिसंबर 2021 तक सिलेक्शन की प्रक्रिया आयोजित होंगी। सिलेक्शन का काम खूंटी, गुमला, सिमडेगा, लातेहार और हजारीबाग में किया जाएगा। गिरफ्तार नक्सली प्रशांत बोस समेत 5 नक्सलियों की खत्म हुई रिमांड अवधि। 1 करोड़ के इनाम गिरफ्तार नक्सली नेता प्रशांत बोस उर्फ किशन दास समेत 5 नक्सलियों की रिमांड अवधि खत्म होने के बाद रविवार को पुलिस ने उन्हें सरायकेला जेल भेज दिया है। बता दें कि बीते 12 नवंबर की सुबह लगभग 9 बजे पुलिस ने प्रशांत बोस को उनकी पत्नी के साथ चांडिल कांडरा टोल ब्रिज के समीप से गिरफ्तार किया था। उस समय प्रशांत बोस एक सफ़ेद रंग की स्कॉर्पियो से पत्नी के साथ कांडरा में प्रवेश कर रहे थे। वहां से तीनों को भारी सुरक्षा के बीच हॉस्पिटल ले जाया गया। इसके बाद पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के मिले 10,488 नए मामले। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के रविवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में बीते 24 घंटों में 10,488 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस दौरान 12,329 संक्रमित स्वस्थ हुए हैं और 24 घंटों में 313 व्यक्तियों की जान भी गई है। नए मामलों के सामने आने के बाद कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,45,10,413 पर पहुंच गई है। वहीं अब तक कुल 3,39,22,037 संक्रमित मरीज रिकवर हुए हैं। मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़कर 4,65,662 पर पहुंच गया है। इसके साथ ही सक्रिय मामलों में कमी आई है। इस समय देश में कुल 1,22,714 सक्रिय मामले हैं। यह बीते 532 दिनों में सबसे कम है। सक्रिय मामले देश में अब तक सामने आए कुल मामलों का 1% से भी कम है। दोस्तों, बड़ी खबर है, अब नहीं कटेगा ट्रैफिक चालान, गूगल मैप्स करेगा मदद। ड्राइविंग करते समय अगर आपके व्हीकल की स्पीड उस सड़क के लिए तय की गई स्पीड लिमिट से तेज हो जाए तो आपका ट्रैफिक चालान कट सकता है। इसके अलावा ऐसा इसलिए हादसा होने का खतरा भी बढ़ जाता है। इसलिए अब गूगल मैप्स में एक नया फीचर शामिल किया गया है, जो कि ओवर स्पीड होने पर आपको आगाह करने का काम करेगा। गूगल मैप्स के इस खास फीचर का नाम स्पीडोमीटर है। आपकी गाड़ी जैसे ही ओवर स्पीड की लिमिट को क्रॉस करेगी, ये फीचर तुरंत आपको अलर्ट करेगा। यह खास फीचर डिस्प्ले पर रंग बदलकर आपको सूचित करेगा। इससे आप अपनी गाड़ी को सड़क के लिए निर्धारित की गई स्पीड में ही चलाएंगे, जिससे हादसा होने का खतरा कम हो जाएगा। झारखंड से चलने वाली इन ट्रेनों को किया गया रद्द। झारखंड की राजधानी रांची से चलने वाली कई ट्रेनें रविवार को रद्द रहीं। विजयवाड़ा मंडल के पुडुगु पाडू नेलुरु स्टेशन के बीच रेल पुल पर पानी आ जाने के कारण राजमपेटा नंदलुरु सेक्शन पर ट्रेनों का परिचालन निलंबित कर दिया गया है।
जिसके कारण रांची स्टेशन से खुलने वाली दो ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। ये ट्रेन है ट्रेन संख्या 13,351 धनबाद अल्लपी ट्रेन, दूसरी ट्रेन है 18,638 बेंगलुरु कैंट हटिया ट्रेन। बता दें कि दक्षिण भारत में आई बाढ़ के कारण एलपी एक्सप्रेस राउरकेला स्टेशन से लौट गई, इसको लेकर यात्रियों में गुस्सा देखा गया। बता दें कि यात्रियों ने किराया वापसी को लेकर स्टेशन पर हंगामा भी किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हर कीमत पर देना होगा मोटर दुर्घटना मुआवजा। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में मोटर दुर्घटना में परिजनों को हर हाल में मुआवजे का रास्ता साफ कर दिया है। दो जजों की खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा कि जिसकी मृत्यु के समय कोई आय नहीं थी, उनके कानूनी उत्तराधिकारी भी भविष्य में आय की वृद्धि को जोड़कर भविष्य की संभावनाओं के हकदार होंगे। जस्टिस एम आर शाह जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने कहा कि इस बात की उम्मीद नहीं है कि मृतक अगर किसी भी सेवा में नहीं था या उसकी नियमित आय रहने की संभावना नहीं है या फिर उसकी आय स्थिर रहेगी या नहीं, बीमा कंपनियों के लिए सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला किसी झटके से कम नहीं है। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा 59 लाख घरों तक पहुंचेगा पाइपलाइन से पानी। झारखंड के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि आने वाले 3 वर्षों में झारखंड के सभी 59,24,000 घरों में सरकारी पाइपलाइन से पानी पहुंचाए जाएंगे। राज्य सरकार इस दिशा में तेजी से काम कर रही है। रविवार को हीरक रोड स्थित होटल द रीत में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि पूर्व की भाजपा सरकार केवल योजना शुरू करने का काम कर रही थी, लेकिन उसे धरातल पर कैसे उतारा जाए इसकी कोई योजना नहीं थी। बीजेपी सरकार में 5 साल में केवल 4 लाख घरों में पानी पहुंचाया गया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने 2 साल में ही 12 लाख घरों में पानी पहुंचा दिया है। आने वाले समय में इसमें और तेजी से काम होंगे। देवघर पहुंचे प्रभुदेवा, बाबा धाम में की पूजा। दोस्तों, हिंदी व दक्षिण भारतीय फिल्मों में अपनी पहचान बनाने वाले चर्चित फिल्म डायरेक्टर, अभिनेता एवं डांसर प्रभुदेवा रविवार को झारखंड के देवघर पहुंचे। बताया गया कि यहां किसी पारिवारिक विवाह समारोह में शामिल होने आए हैं। इस दौरान उन्होंने देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में मत्था टेका, परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। वे एक निजी होटल में ठहरे हुए हैं। बता दें कि पूरे 2 वर्ष बाद उन्होंने एक बार फिर से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने को वापस हुए हैं। वे फिल्म जर्नी में जल्द नजर आने वाले हैं। बताया जा रहा है कि इस फिल्म की शूटिंग अगले वर्ष 2022 में जून में शुरू होने वाली है।